अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो भाई कैसे हो तुम लोग? आज का व्लॉग मैं ना जल्दी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि बस मैं सो कर उठा हूँ जल्दी जल्दी। बस नाश्ता भी नहीं किया, पानी वानी पिया, खजूर वजूर खाई, शर्ट वर्ट इस्त्री करी पहनी और आ गया, क्योंकि आज जाना था एग्जीबिशन में और ये सारा सीन है। तो व्लॉग घर से स्टार्ट करते हैं, यूजुअली मुझे टाइम नहीं मिला स्टार्ट करने का, तो आज भाई यहाँ से आके स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वही जगह जो लोगों ने बकरीद में भी देखी होगी, देख सकते हो तुम लोग, पूरी जगह जो भी है ना ये सब तुम लोग देख सकते हो, वही जगह है, वहाँ पर अपने जानवर वगैरह हुआ करते थे सारा। तो खैर ये सारा सीन है, अभी चल के आता है कुछ खाने पीने का, देख लेते हैं, भूख लग रही है। सही है ना यार? अभी मैं अपनी घड़ी देख रहा था, इस घड़ी के अंदर है जितने स्टेप्स मैं चलता हूँ उतने जो है काउंट होते हैं पूरे। तो मैं चल के देख रहा था बाकायदा कि भाई ये सिर्फ ये हाथ मूवमेंट के ऊपर है या तो इसके अंदर बाकी में होते हैं, लेकिन नहीं भाई होते हैं, ओरिजिनल घड़ी है भाई, ओरिजिनल घड़ी है। वो आगे क्यों नहीं होंगे इस तरह, ऐसे ऐसे कैसे नहीं होंगे? और यार घर से कुछ खा वगैरह भी नहीं निकला था, तो जाते जाते मैंने ना एक इधर बिस्किट पकड़ लिया, बिस्किट वस्किट खाते हैं ताकि गुजारा वगैरह हो जाए। वैसे भी दोपहर की रोटी हमारी वहीं पर ही है ना भाई, ऐसे चीजें। तो भाई रेडी हो तुम हाँ जाने के लिए? पूरे रेडी, खाना वाना नाश्ता वाश्ता सब कुछ हो गया? तुमने भी ले लिया बिस्किट एक? सही है भाई, जापानियों से बात करनी है इंग्लिश में, सही है। व्हाट डू यू डू, व्हाट आर यू डूइंग, सही है ना? ये नहीं करना वहाँ पे, पता लगे तुम्हें इंग्लिश आती है, वो तो तुम्हें आती है, मसला ही नहीं उसका। खैर बस ये निकल रहा है बस वहीं के लिए, थोड़ा सारा खा पी रहे ताकि तुम्हें जान छान आ जाए। यार पेट में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही उठ के आ गए थे हम भी। तो भाई आज के इस व्लॉग को यहीं से ही करते हैं शुरू। हम लोग पीसी होटल, गाड़ी वाड़ी की चेकिंग हो रही है, आगे पीछे बड़ी बात हर तरफ से खोल के देखी जा रही है गाड़ी। चलिए भाई, हाँ भाई चलो चलिए भाई, पहुंच चुके हैं पीसी होटल, पहले जा रहे हैं भाई, पहली दफा आ रहे हो ऐसे, अब आपने शो करना है कि हम आ रहे हैं कौन सी दफा, बस ये बात। आए होंगे यार बचपन में, कभी याद ही नहीं, छोटे होंगे, मैं तो पता नहीं कितने जमाने बाद आ रहा हूँ पीसी, जमाने बाद क्या पहली बार ही आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है ऐसा कि हम बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं, पता नहीं क्यों। दिस इज अबाउट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट द यूनिकनेस एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट इज दैट वी फॉर इट वेल इट्स 1516 167 इवन यू खुलने वाली है सीन ऐसा। मैं अभी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया हूं, अंदर चल रही है, वॉशरूम आया था भाई, बहुत ठंडा है अंदर, अंदर बहुत ज्यादा ठंडा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई सीन ऐसा है, रोटी खुल चुकी है इधर, तो जरा सा बोलने पर भी ना इतनी तेज आवाज जा रही है, बिल्कुल सही है। वो आते के साथ ही उठा लिया तुमने लाज़ानिया, चलो मैं आ रहा हूँ उधर यार। चीज़ पास्ता दिया है आपने भी है, मैं भी वही लेकर आया हूँ चीज़ पास्ता, बहुत मजे का। कॉल कितना टाइम लगा देते किस पे, कॉल में इतना टाइम लगा देते, मैं लेके भी आ गया। अबे खैर हो गई, असल में सीन ये है बिरयानी भी है, लेकिन यार बिरयानी खाते रहते हैं ना, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा इस बार ये खा कर देखते हैं भाई। दूसरी शिफ्ट में बिरयानी लेकर आया हूँ, उसके साथ रायता सलाद तो अपना मस्त होता है, ठीक है। और मुनीस भाई भी फुल टनाटन बिरयानी, हाँ आप कहें, चलो यार ये खा कर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, ठीक है ना यार, ज़्यादा लंबी नहीं। हाँ भाई हो गया खाना सही से बिल्कुल, हैं मैंने तो फुल पेट भर के भाई। अच्छा वो कितने मजे का था, यह नाम है सॉस पास्ता, वाइट सॉस पास्ता भाई, तगड़े बिल्कुल जैसे कहते हैं हैवी किस्म के, सबसे बेहतरीन वही लगे, और मैंने भी सबसे ज़्यादा ही वही खाई, ऐसा ही है, पेट भर गया, मुनीस सब जगह जाके सोएगा और कल उठेगा, ऐसा ही है। तो यार ये है कंपनी किश्वाई केयर्स, ये जापानी कंपनी है, हाँ वही किश्वा किश्वा जो भी है यार, हम अपनी जबान में पढ़ेंगे, सही है। तो इसकी हम लॉन्चिंग सेरेमनी में आए थे, लॉन्चिंग सेरेमनी मतलब पाकिस्तान में अपना ब्रांड ये लोग ला रहे हैं लंग्स के रिलेटेड, वो मैं बताता हूँ बाद में, सही है ना। हाय माय नेम इज कृष्ण रिराम, आई एम द सीईओ ऑफ टोकाई ऑप्टिक्स, द बेल्जियन जापानीज जॉइंट वेंचर, आई एम हैप्पी टू बी विद यू इन पाकिस्तान टू प्रोड्यूस टू प्रेजेंट माय प्रोडक्ट द लॉन्च व्हिच वाज मेड इन इस्लामाबाद लाहौर एंड नाउ इन कराची। We are very unique manufacturer because we have the thinnest lens in the world, which is the 1.76, who comes with the feature of lutina, which is protecting your eyes. I hope you all go to your local optician to purchase it. Thank you very much. So if I ask you what's your review about biryani, mutton biryani, as you said in your conference about mutton biryani, so what's your review about that? I really like the food, but I must say I'm now here in Pakistan since last Saturday. I probably gained already 5 kilo because of the food. You have gained 5 kgs. Yeah. And people are, hospitality level is very high. So not only the food is great, but also the people I met.
And I think the biryani tastes better here than in Europe because we here we can lay down. Okay. So laying down, relaxing, so we eat also much more. So. Oh. But sometimes the food is too spicy. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. Have a good day. Search Mahad Vlogs. How do you write that? M-A-H-A-D. M-A-H... A-D. A-D. V-O-L. V-O-L. V-L-O, sorry. V-L? V-L-O. G-Z. G-Z. Yes. Yeah, that's my channel. Okay. Okay, I'll text it to my wife. So. Okay, thank you so much. Thank you, sir. भाई हो गई तुम्हारी तस्वीर है, अब तो तुम भी लोड कर सकते हो, तुम भी हो जाओगे कहीं ना कहीं पे, तुम वायरल हो जाओगे हैं, कहीं ना कहीं पे निकल जाओगे तुम। मैं यार देखो ये पूछना जरूरी होता है, मैं व्लॉगर हूँ, मैं अगर ये नहीं पूछूंगा कि आपको खाना कैसा लगा, इन लगा, उन्होंने बोला वो गार्लिक के बगैर फूड खाता, उन्होंने बताया यार, तो भाई ये मेरी ड्यूटी है, मुझे 1000 सब्सक्राइबर करना है, नोट बनाना है भाई, क्या हो गया, समझो इस बात को जरा। अच्छा सही है, अभी तो पैसे आ नहीं रहे ना। हाँ नोट बनाना है यार, मैंने तो सब्सक्राइब करवाया, उन्होंने बोला मैं अपनी वाइफ को ही भेजूंगा। हे कैसा कैसा मस्त प्लान है। चलो भैया निकले हैं, बस निकलने की टाइम है, आ जाओ अब निकलते हैं हम पीछे, ठीक है आप पीछे घर निकलेंगे तो शाम में मैंने जाना है भाई, रूटीन अपनी यार चाचू, ऐसे दो चार क्या नाम है हफ्ते में हो जाया करे ना, खाना हो जाया करेगा ये भी। सीधा पहुंचते हैं घर में, घर पहुंच के मिलते हैं बस सीधा, ठीक है। तो भाई ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैं बोलता हूं, चलो भाई अल्लाह हाफिज़। ओफ हां भाई, तो यार सुबह से गए थे, खाना वाना हो गया अपना दोपहर का, सबसे मेन काम जो था खाना था, और जो भाई एक सच बात बताऊं, जो पास्ता था ना नेक्स्ट लेवल था, व्हाइट सॉस चीज पास्ता सबसे बेहतरीन। बिरयानी तो फिर चलती रहती है शादियों में, तो मैंने इतनी नहीं खाई, थोड़ी सी खाई यार, उधर गैलरी पे आवाज बहुत ज्यादा थी तो इसलिए मैं इधर अंदर आया हूँ। अच्छा मैं सीन बताऊँ, ये लोग जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने आए हैं, बेसिकली कह रहे हैं लेंस जो ये लोग लॉन्च करने आए हैं इधर पाकिस्तान में, टोकाए नाम है इसका, जैसे कि मैंने दिखाया था टोकाए, और जैपनीज प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में लेकर आए हैं, इसकी लॉन्चिंग और प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, मतलब जितने भी जो बड़े वेंडर्स हैं, बड़े सप्लायर्स जो कि डिफेंस क्लिफ्टन वगैरह में हैं, जिनकी शॉप्स हैं, उस पे ये सप्लाई करेंगे अपने ग्लासेस, और जिसकी मतलब ऑलमोस्ट कॉस्ट अगर देखा जाए पाकिस्तानी एक्सपेंसिव है काफी, 25 to 30K तक के होंगे इनके ग्लासेस। इसका सीन ये है कि जिस तरह यार जो लोग ग्लासेस यूज करते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो जिस तरह जो जिन लोगों को ड्राइविंग करते वक्त लाइट्स के इशू होते हैं, लाइट्स आंखों में पड़ती हैं, मुख्तलिफ रेजेस आती हैं, तो उसको रिड्यूस कर देगा, उसको 80% तक रिड्यूस कर देगा, और उनको आगे देखने में आसानी होगी। लेकिन वही बात है, इम्पोर्टेड चीज है तो एक्सपेंसिव है, तो ये सारा सीन है भाई इसका, समझ आ गई होगी। तो यार शॉर्ट सा व्लॉग है, लंबा है, एडिट करके पता लगेगा कैसा है ये व्लॉग, इंशाल्लाह मिलेगा आपको अपकमिंग वीक के अंदर। और बाकी सीन ये है कि इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना, शाम में फिर से वही जॉब वाला सीन, वो तो आज जाना था तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग व्लॉग कर लेते हैं, तो बाकी यार इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा हाँ एक चीज मैं क्लियर करना भूल गया था कि यार ये जो लोग थे, ये मतलब जो भी मेरा व्लॉग देख रहे होंगे उनके जहन में सवाल तो आया होगा कि यार ये जापानीज कैसे हैं, सही है ना। यार असल में सीन ये जो थे, ये जो दो लोग थे जिनके साथ आपने मुझे थंबनेल के अंदर भी आप लोग देखेंगे, और जिस बंदे के साथ मैंने बातचीत करी, ये लोग बाय बर्थ बेल्जियम है, लेकिन मैं सही बताऊं मैंने इनको बातचीत करते हुए देखा, दोनों को आपस में ये लोग जापानीज में बात कर रहे थे, मतलब जापानीज एक्सेंट होता है वगैरह थे, मतलब बाय लुक नहीं लगेगा कि ये जापानीज है, लेकिन इनका एक्सेंट और ये दोनों आपस में जिस तरीके से बात कर रहे थे जापानीज में, दे आर जापानीज, सही है, समझ जाओ।